जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, संगठन सर्वोपरि, तो संगठन सर्वोपरि, संगठन सर्वोपरि, ये नारे लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर। आज चौंका देने वाले नतीजे आए। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि जो भी परिणाम आएंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, वो चौंका देने वाला नाम होगा। और चौंका देने वाला नाम इसलिए भी है क्योंकि मोहन यादव, जिनको मुख्यमंत्री के रूप में विधायक दल ने चुना है, उनका नाम कहीं से भी किसी लिस्ट में नहीं था। इस लिस्ट में जो दौड़ में थे मुख्यमंत्री के बड़े नाम थे, खुद शिवराज सिंह चौहान जो कि सिटिंग मुख्यमंत्री हैं उनका नाम था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था, कैलाश विजयवर्गीय का नाम था, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम था, और सबसे ज़्यादा बड़ा नाम जो ज़्यादा जिस पर दाव लगाया जा रहा था वो नाम था प्रहलाद पटेल का, ये कहते हुए कि ये OBC के से वर्ग से आते हैं और शायद ये हो सकता है कि इनको बनाया जाए। लेकिन मोहन यादव खुद OBC वर्ग के हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, जो उसकी रणनीति है, उसको ये एक तरह से इस फैक्टर को न्यूट्रलाइज किया है। और इसके साथ साथ दो जो उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई है उसमें एक राजेंद्र शुक्ला हैं, जाहिर सी बात है ब्राह्मण समाज का ख्याल रखा गया है, और जगदीश देवड़ा भी हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं, तो वो उनको बनाया गया। और नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी दी जाएगी बतौर अध्यक्ष विधानसभा के। मेरे साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं ये जानना चाह रहा था सबसे पहले आपसे कि ये तो चौंका देने वाले परिणाम है। देट इज भाजपा, देट इज ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी विद डिफरेंस, इसे ही कहते हैं। जहाँ से राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक सोचना बंद करते हैं, वहाँ से भाजपा का नेतृत्व सोचना शुरू करता है। तो ये आप उम्मीद लगा रहे थे इन नामों पर जो आए आज मुख्यमंत्री? हम तो एक ही बात कह रहे थे, कौन बनेगा कमल का फूल, कमल का फूल संगठन, संगठन सर्वोपरि। 24 तक यही चलेगा, 29 तक भी यही चलेगा, संगठन सर्वोपरि। विद्यार्थी परिषद से जो संगठन मंत्री रहे हैं मोहन यादव जी, जिन्होंने जो राष्ट्रीय इकाई में भी रहे हैं विद्यार्थी परिषद की, और माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के द्वारा जो महाकाल लोक के समय उज्जैन में जो उनसे भेंट हुई, उसी समय से चेहरा लगभग केंद्र में बना हुआ था और कभी भी इसकी अटकलें आ सकती थी कि यह चेहरा निश्चित होगा, परंतु यह अंडरग्राउंड एक कैंपेनिंग थी, अंडरग्राउंड ही यह हुआ है सब कुछ। जैसा कि संघ का भी उनको सपोर्ट रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय बहुत शानदार निर्णय रहा है। आप कुछ कह रहे थे? मोहन जी यादव बहुत अनुभवी नेता हैं और संगठन ने, संघ की तरफ से ये नाम है। और अब आप देखना, जैसे शिवराज जी ने काम किया था उससे भी अच्छा काम करके मोहन यादव जी आपको दिखाएंगे। मोहन यादव जी ने अपना करियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया, जैसे एक कार्यकर्ता हमारे कह रहे थे यहाँ पर, और 1988 में वो महासचिव बन गए थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य प्रदेश के, और उसके बाद 1992 में वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चले गए, 1995 में वो सह कार्यवाहक थे संघ के, उसके बाद 2003 में वो उज्जैन, उनकी जो है कर्मभूमि है उज्जैन से आते हैं, वहाँ के महासचिव बनाए गए। 2013 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा उज्जैन दक्षिण सीट से और उसके बाद वो चुनाव जीता। 2018 में उन्होंने दोबारा जीता और उसके बाद जो है फिर वो कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में। मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय सक्सेना साहब। सक्सेना साहब, ये तो जैसा कहा कि BJP चौंकाती है अपने फैसलों से, तो ये भी चौंकाने वाला ही फैसला था? निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाला फैसला था, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी काम करेगी, मुझे लगता है, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ शिवराज सिंह चौहान की स्ट्रेटेजी काम करी है, और ये नाम निश्चित तौर पर, शत प्रतिशत तौर पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ही रखा गया है। उनका नाम दावेदारी में था और जो बड़े नाम थे शायद वो ये चाह रहे होंगे कि कोई बड़ा नाम ना आ पाए और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो कहीं ना कहीं लो प्रोफाइल रहे। और ये जो दो उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, ये दोनों निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान के ही खास लोग हैं। राजेंद्र शुक्ला उनके बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं और जगदीश देवड़ा उनके कार्यकाल में वित्त मंत्री और वाणिज्य कर मंत्री रहे हैं, और दोनों उनके बहुत ही करीबी रहे हैं और विश्वसनीय भी रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर शिवराज सिंह चौहान के हाथ में ही कमान रहेगी। क्या मास्टर स्ट्रोक था BJP का या शिवराज सिंह चौहान का? हाँ, ये मास्टर स्ट्रोक BJP का नहीं,
ये व्यक्तिगत तौर पे मैं शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मोदी जी और शाह साहब और जो बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी हैं, दिल्ली में कुछ और तय हुआ। अचानक शाम को खबर आती है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आ रहे हैं, फिर खबर आई कि सिंधिया जी का आना कैंसिल हो गया। बीच में ऐसा लगा कि जो नाम चल रहे हैं उन्हीं में से एक मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, परंतु शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल सहमत नहीं थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कह रही थी कि उन्हें नहीं बनाया जा रहा है। अचानक ये तय हुआ कि विधायक दल की बैठक में जैसे ही नाम प्रस्तावित करने को कहा गया, शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव का नाम प्रस्तावित किया। मोहन यादव का नाम प्रस्तावित करने वाले खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, यानी कि उन्हें पता था कि वो इस रेस में कहीं नहीं है और अब उनका वक्त हो चला है कुर्सी को खाली करने का। जश्न के माहौल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर ये चौंका देने वाले नतीजे थे। कार्यकर्ता भी उम्मीद नहीं कर रहे थे इसकी, जैसा कि आपने सुना लोगों की बातें, के कार्यकर्ता भी सोच रहे थे कि जो नाम चल रहे हैं उन्हीं में से शायद कोई उम्मीदवार बनेगा और शायद उन्हीं नामों में से कोई नाम फाइनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें, ये कहते हैं विश्लेषक, के शायद लोकसभा के चुनावों को भी ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला लिया है। सलमान रावी, BBC भोपाल, मध्य प्रदेश।